खत्म हुआ था। सारे डायनासोर्स ह्यूमंस के बीच में नॉर्मली रहने लगे थे, जिसकी वजह से ह्यूमंस को लगातार तकलीफ हो रही थी। उनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही थी और डायनासोर्स बढ़ते ही जा रहे थे। और इसी सब के बीच में एक नई कंपनी निकल करके आती है, जिसका नाम होता है बायोसिन। बायोसिन यहाँ पर अलग अलग डायनासोर्स के बारे में स्टडी करती है और उनके बारे में पता करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लेयर को, जो कि अलग अलग जगह पे फंसे हुए डायनासोर्स को अभी भी बचा रही होती है। अब क्योंकि ये डायनासोर्स ह्यूमंस के बीच में आ चुके हैं, तो बहुत सारे ह्यूमंस इन्हें बेचने और खरीदने का काम करते हैं, और ऐसी ही चीज़ों से क्लेयर डायनासोर्स को बचाती है। वो ऐसे एक डायनासोर को आज़ाद कर देती है, पर अब उसके दोस्त यहाँ पर उससे ये बोलते हैं कि वो इस काम को आगे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें CBI की ज्वाइनिंग का ऑफर आया है। इसीलिए वो लोग उसे छोड़ करके निकल जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओवन को। ओवन भी यहाँ पर दूसरे डायनासोर्स को बचा रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं शार्लेट को। शार्लेट अब काफ़ी बड़ी हो गई है और वो इन्हीं दोनों के साथ में रह रही होती है। ये दोनों उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं, पर शार्लेट यहाँ पर परेशान होती है, क्योंकि उसे जंगल के बीच में बने हुए घर में रहना पड़ता है और उसे शहर में ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता है। ये सब कुछ ओवन उसकी सिक्योरिटी के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कई लोगों की उसके ऊपर नज़र है। पर यहाँ पर शार्लेट को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप को बंधा हुआ फील करती है। अब ऐसे ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्लू को, जिसका फाइनली एक बच्चा हो गया है, जिसे वो शिकार करना सिखा रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है कुछ टिड्डों पर, जो कि यहाँ पर पूरी फसल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये टिड्डे साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और ये बायोसिन कंपनी ने ही बनाए होते हैं। इन टिड्डों की एक खासियत होती है कि ये टिड्डे बायोसिन के बनाए हुए किसी भी क्रॉप के ऊपर अटैक नहीं करते हैं और बाकी हर फसल को खा लेते हैं। अब ऐसे वे एक जगह पे अटैक करते हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर एली आती है, जो कि जुरासिक पार्ट के फर्स्ट पार्ट में थी। यहाँ पर उसे सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ये सब कुछ बायोसिन कंपनी ने किया हुआ है, पर अब उसे किसी की हेल्प चाहिए, तो वह इसके लिए जाती है एलन के पास। एलन भी जुरासिक पार्क के फर्स्ट पार्ट में था, और अब ये दोनों मिल करके जा रहे होते हैं बायोसिन कंपनी में, ताकि वहां पर जा करके ये लोग उसे टिड्डे का ब्लड सैंपल लेकर के आ सके और बाहर दुनिया को ये प्रूव कर सके कि ये टिड्डे बायोसिन कंपनी ने बनाए हैं और उन्हीं की वजह से पूरा क्लाइमेट खराब हो रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है ब्लू की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लू जाता है ओवन से मिलने के लिए, अपने बच्चे को दिखाने के लिए। तो अब ओवन उसके पीछे जाता है, जहाँ पर ब्लू के ऊपर काफी वक्त से कुछ लोगों की नजर होती है, जो कि बायोसिन कंपनी के लिए काम करते हैं, और वो लोग ब्लू के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। ओवन यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शार्लेट भी गुस्से में साइकिल से अलग जा रही होती है कि तभी उसका भी किडनैप हो जाता है। ओवन ये भी देखता है, पर वो यहाँ पर भी हेल्प नहीं कर पाता है। छोटी ब्लू और शार्लेट को किडनैप करने वाले बायोसिन कंपनी के लोग होते हैं, और अब जब ब्लू का बच्चा जा चुका है, तो ब्लू काफी ज्यादा नाराज होती है। यहाँ पर ओवन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चे को वापस ले आएगा, पर अब ब्लू गुस्से में आकर के उसे काट लेती है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं काटती, पर ऐसे ही अपना गुस्सा दिखाती है। अब शार्लेट और ओवन अपनी बेटी को बचाने के लिए जाते हैं उसे CIA में ज्वाइन किए हुए फ्रेंड के पास हेल्प मांगने के लिए। उनका वो दोस्त उस आदमी के बारे में उन्हें बता देता है जिसने कि शार्लेट का किडनैप किया है। उसका नाम होता है राइन। राइन इस वक्त जहाँ पर गया हुआ है, CIA का वो एजेंट ये बताता है कि वहाँ पर काफी सारे एजेंट अंडरकवर काम कर रहे हैं, तो वो लोग ओवन की हेल्प कर सकते हैं। तो इसके बाद ओवन और शार्लेट वहीं के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एली और एलन को देखते हैं, जो कि बायोसिन कंपनी में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर इयान को देखते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में था और उनका दोस्त होता है। यही रीज़न होता है कि वो लोग इजीली बायोसिन कंपनी में जा चुके होते हैं। यहाँ पर वो बायोसिन कंपनी के ओनर से मिलते हैं, जो कि उनका फैन होता है, और वो उन्हें उनकी जगह का एक टूर करने के लिए बोल देता है। इसके बाद हम एक वर्कर को देखते हैं, जो कि वैसे तो वहीं पर काम करता है, पर इस वक्त वो एली और एलन का गाइड है। अब यहाँ पर डॉक्टर यान चुपके से एली को एक वॉच देते हैं। इस वॉच में एक ऐसा बायोमेट्रिक लगा होता है कि ये कहीं पर भी एक्सेस दिला सकती है, और ये वॉच लेकर के वो लोग सैंपल लेने के लिए निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम कैरोलिन को देखते हैं, जो कि डायनासोर्स की डील करती है, मतलब कि वो डायनासोर्स खरीदती और बेचती है। पर यहाँ पर वो बायोसिन कंपनी के कुछ लोगों से डायनासोर को खरीद रही होती है कि तभी वो वहाँ पर शार्लेट को देखती है। वो एक आदमी से पूछती भी है कि ये कौन है, पर वो उसे कह देता है कि उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अब कैरोलिन यहाँ से निकल जाती है, और सीन शिफ्ट होता है क्लेयर और ओवन की तरफ,
जो कि एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ अलग अलग डायनासोर्स की फाइट कराई जाती है, मतलब कि वो डायनासोर्स जो कि छोटे होते हैं। यहीं पर डायनासोर्स को खरीदा और बेचा भी जाता है, और यहीं पर कैरोलिन भी अपने डायनासोर को बेचने के लिए आई होती है। कैरोलिन जब क्लेयर को देखती है तो उसे लगता है कि ये कोई सीधी साधी लड़की है, तो वो जा करके उससे ये बोलती है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अब क्लेयर उसे शार्लेट की फोटो दिखाती है और उसके बारे में पूछती है, तो यहाँ पर कैरोलिन उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से निकल जाती है। पर अब यहाँ पर ओवन CIA एजेंट की हेल्प से राइन को ढूंढ लेता है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के बीच में सारे डायनासोर खुल जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये डायनासोर पूरे शहर में भागने लगते हैं और ओवन उनसे बच करके भाग रहा होता है। क्लेयर भी यहाँ पर एक ऐसी लेडी को पकड़ लेती है जिसे कि शार्लेट के बारे में पता होता है। पहले तो वो बहुत भागती है, पर एंड में आकर के वो बता देती है कि शार्लेट को बायोसिन लेकर के गए हैं। ये सुनने के बाद ही तभी वहाँ पर डायनासोर क्लेयर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बचाने के लिए वहाँ पर कैरोलिन आती है। कैरोलिन के साथ बच करके वो लोग प्लेन पे जाते हैं और तब तक पीछे से वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो भी प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है और ये तीनों ही निकल जाते हैं बायोसिन की तरफ। अब नेक्स्ट सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि बायोसिन में आ चुकी होती है। यहाँ पर उसे बात करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं जो कि उसे उसकी माँ से रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखाते हैं। वो उसे ये बताते हैं कि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि शार्लेट को उसके दादाजी ने क्लोन करके बनाया होता है, पर रियलिटी पे शार्लेट को उसकी माँ ने बनाया होता है। उन्होंने उसे अपने ही DNA से बनाया था, बाकी वो बिल्कुल वैसे ही पैदा हुई थी जैसे कि एक नॉर्मल बेबी होता है, पर ये बात उसके दादाजी ने कभी भी किसी को भी नहीं बताई होती है। यहाँ पर शार्लेट अपनी माँ से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस को देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो डॉक्टर उसे ये बताता है कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी जिसको ठीक करने के लिए उसकी माँ ने एक मेडिसिन बनाई थी और वो उसके ब्लड में ही डाल दी थी, जिसकी वजह से इस वक्त वो मेडिसिन उसके DNA में है और यही रीजन होता है कि उसे यहाँ पर लाया गया है। अगर डॉक्टर को उसकी वो ब्लड मिल जाती है तो फिर वो कई सारी बीमारियों का क्योर निकाल सकता है। अब शार्लेट उससे बात करी रही होती है कि तभी वहाँ पर बायोसिन कंपनी का ओनर आता है और वो डॉक्टर से बात करने लगता है। शार्लेट को मौका मिलता है और वो छोटे ब्लू को कैद से आजाद कर देती है और खुद भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम यहीं पर एलन और एली को देखते हैं जो कि यहाँ पर वॉच के हेल्प से उस रूम पर पहुंच गए होते हैं जहाँ पर काफी सारे टिड्डे बने होते हैं। वो उनमें से एक को पकड़ते हैं और उसका ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं, पर अब वहाँ पर सारे टिड्डे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो लोग भागते हैं तब उन्हें शार्लेट मिलती है और अब वो लोग शार्लेट को भी अपने साथ में कर लेते हैं क्योंकि वो उसकी माँ को जानते होते हैं। आगे उन्हें वही वर्कर मिलता है जो कि उन्हें ये रिवील करता है कि वो खुद भी उनकी हेल्प कर रहा है और वो डॉक्टर आयन के साथ में मिला हुआ है। वो उन तीनों को एक ट्रेन में बिठा देता है जो कि टनल से होते हुए बाहर जाती है ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब दूसरी तरफ हम उस प्लेन को देखते हैं जिसमें कि ओवन और क्लेयर आ रहे होते हैं। इस प्लेन के ऊपर एक डायनासोर अटैक करता है और प्लेन क्रैश होने लगता है, तो यहाँ पर ओवन क्लेयर को तो सीट के साथ जिसमें कि पैराशूट लगा होता है नीचे फेंक देता है, लेकिन अब वो खुद प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है और इसी के साथ ये दोनों अलग हो जाते हैं। ओवन और कैरोलिन साथ में आ जाते हैं और क्लेयर अकेली पड़ जाती है। वो यहाँ पर एक डायनासोर से फाइट करती है और जैसे तैसे बच करके भाग रही होती है। दूसरी तरफ कंपनी का ओनर देख लेता है कि एक ट्रेन कहीं पर जा रही है और काफी सारे टिड्डे बेकाबू हो गए। ये देख करके उसे समझ में आ जाता है कि कोई तो वहां पर गया था। अब इसके बारे में पता करके उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर इयान ने हेल्प करी है एली और एलन की। ये पता चलते ही वो डॉक्टर इयान को जॉब से निकाल देते हैं और अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला होता है कि वो वर्कर भी उनके साथ में। अब वो वर्कर यहाँ पर डॉक्टर इयान को अलग लेकर के जाता है और वो उन्हें काफी सारे डिवाइसेस और एक जीप देता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। डॉक्टर इयान यहाँ से निकल जाते हैं और वो ओनर ट्रेन को भी रुकवा देते हैं। तो ट्रेन रुकने के बाद यहाँ पर शार्लेट एली और एलन ये तीनों ही बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अब इनके सामने काफी सारे डायनासोर होते हैं और वो सभी इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर इयान आ जाता है और वो तीनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि भागते भागते कंट्रोल रूम जैसी जगह में पहुंच जाती है कि तभी वहाँ पर ओवन और कैरोलिन भी आ जाते हैं। तब तक वहाँ पर उस जीप से शार्लेट और बाकी सब भी आ जाते हैं और फाइनली उनकी पूरी टीम यूनाइट हो जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और ये लोग जैसे तैसे उससे लड़ते हुए कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। ये एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से वो लोग मेन कंट्रोल रूम तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ ओनर को जब ये लगता है कि अब वो सारे टिड्डे उसके काबू से बाहर हो रहे हैं तो उन सभी को जला करके मारने का ऑर्डर देता है। वो रूम में आग तो लगा देते हैं लेकिन सारे टिड्डे शीशे तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और पूरे जंगल में आग फैल जाती है।
होती है। यहाँ पर सभी लोग निकलने का प्लान कर रहे होते हैं कि तभी ओवन ये बोलता है कि उसने ब्लू से प्रॉमिस किया है, उसने एक डायनासोर से प्रॉमिस किया है कि वो उसके बच्चे को छुड़ा करके लेकर के आएगा, इसलिए वो ब्लू को लेने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसके साथ में शार्लेट भी जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर जाती है एली के साथ और सारे सिस्टम को बंद कर देती है। और अब इतना सब कुछ होने के बाद वो ओनर भी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तब उसके ऊपर दो डायनासोर अटैक कर देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ ओवन को छोटा ब्लू भी मिल जाता है, जहां पर वो लोग उसे बेहोश करके ले आते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग चॉपर की तरफ भागने लगते हैं कि तभी वहां पर दो बहुत बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं, लेकिन अब उनकी आपस में ही फाइट होने लगती है और ये सभी लोग निकलने वाले होते हैं। अब उनसे दोबारा से वही डॉक्टर मिलता है जो कि जिंदा बच के होता है। वो उन्हें ये बोलता है कि उसे शार्लेट के ब्लड की जरूरत है, उसने गलती से एक बहुत ही खतरनाक टिड्डा बना दिया और अब उसे ठीक करने के लिए शार्लेट का ब्लड चाहिए। शार्लेट इसके लिए मान जाती है तो वो लोग उसे भी अपने साथ में ले लेते हैं और फाइनली ये सभी लोग उस पूरी जगह से जिंदा बच गए होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने दवा बना ली होती है और क्लाइमेट दोबारा से सुधरने लगता है। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया होता है कि डायनासोर्स को कोई भी प्राइवेट कंपनी हैंडल नहीं करेगी और वो जिस आइलैंड पर रहते हैं उसे वहां की नेशनल सेंचुरी बना दी जाएगा और वहां पर कोई भी ह्यूमन जाकर के कुछ भी इंटरप्ट नहीं करेगा। ओवन जाकर के ब्लू को उसका बच्चा वापस कर देता है। शार्लेट जो कि अभी तक क्लेयर के साथ अपने रिश्ते ठीक नहीं कर पाई होती है, फाइनली वो उन दोनों को समझ जाती है और इन तीनों की एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपने इसके पहले के सारे पार्ट्स देखे हैं तो शायद ये पार्ट आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा। इसके पहले वाला पार्ट द फॉलन किंगडम देख करके मैंने इस मूवी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली थी, लेकिन मुझे मूवी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो अगर आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को क्लिक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।